जी हम मंडल कमीशन की जो बात चल रही है, 16 नवंबर 1992 को क्रिमिलियर लागू हो गया, क्रिमिलियर का फैसला आ गया। इससे ओबीसी के जो शैक्षणिक अधिकार है या प्रशासनिक जो अधिकार है उस पर कितना असर हुआ? मंडल के द्वारा जो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी ऐतिहासिक भूल की गई, इसमें ये एक बड़ी भूल मंडल के द्वारा की गई कि उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जाति के साथ साथ आर्थिक मापदंड को भी आधार बनाया। कालेलकर कमीशन में इस बात की चर्चा की गई थी कि जाति को पिछड़ेपन का मापदंड ना माना जाए, आर्थिक आधार पर यह किया जाए, मगर कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू ना होने के कारण वो मामला संज्ञान में नहीं आया। मगर मंडल चूंकि ये सारी बातों से वाकिफ थे, उसके बावजूद भी मंडल के द्वारा आर्थिक आधारों का मुद्दा उठाया गया और इसी आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन तय करने का जो मुद्दा मंडल कमीशन के द्वारा सिफारिशों में भी और उनके अध्ययन में भी इस बात को जब उठाया गया, इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भी और मंडल विरोधियों को भी क्रिमिलियर को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला। अगर मंडल कमीशन या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अगर आर्थिक आधार उसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि तो जाति ही भारत में पिछड़ेपन का एकमात्र मापदंड है, आपकी अमीरी या आपकी गरीबी आपके जाति के स्थान पर कोई प्रभाव निर्माण नहीं करती, जाति ही भारत का वास्तविक मात्र आईना है, ये फैक्ट खुद मंडल भी कबूल करते हैं। जाति के साथ में कितना व्यवहार होता है, किस तरीके से जाति के व्यवहार चलते हैं, ये मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में धर्मशास्त्रों के आधार और प्रमाण देकर कहा। वो तो खुद ही कहते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र में कितना अंतर है और ये अंतर लोकतंत्र में किस तरीके से शामिल है, उन्होंने उसके रिपोर्ट भी दिए किस तरीके से जाति के आधार पर भेदभाव होता है। यूपीएससी के सिलेक्शन में उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आंकड़ा दिया कि 10 साल में शेड्यूल कास्ट के केवल 10 ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रांतों के उदाहरण देकर खुद मंडल ने इस बात को कमीशन की रिपोर्ट में भी शामिल किया और उसके बाद भी उन्होंने उसमें आर्थिक आधार जोड़ा। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात जो है मंडल के द्वारा की गई। अगर मंडल ये बात नहीं करते तो आज बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो क्रेमिलियर का जो साजिश आज तक उनको भुगतना पड़ रहा है, वो भुगतनी जरूरत नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट में मधुलिमये के द्वारा क्रेमिलियर का क्राइटेरिया या क्रेमिलियर की थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई और इसी क्रेमिलियर ने बैकवर्ड क्लासेस का बड़े पैमाने पर नुकसान किया। बड़ा मजेदार शब्द है ये क्रेमिलियर। ये कहता है कि बैकवर्ड क्लासेस में सारा का सारा तबका गरीब नहीं है, उसमें कुछ मलाईदार तबका है और इस मलाईदार तबके को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए एक शब्द उन्होंने रखा क्रेमिलियर। अंग्रेज बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे और बड़े बड़े शब्द अंग्रेजों ने बनाए, उसमें एक बेहतरीन शब्द अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जिसको हम अंग्रेजी में मतलब हिंदी में छाछ कहते हैं, मराठी में ताक कहते हैं, उस छाछ को अंग्रेजों ने नाम दिया बटर मिल्क। उसमें ना बटर है ना मिल्क, मगर फिर भी उसको बटर मिल्क कहते हैं। अब बैकवर्ड क्लासेस को उन्होंने कहा कि आपके अंदर क्रेमिलियर है, अगर बैकवर्ड क्लास के अंदर क्रेमिलियर होता वो बैकवर्ड क्यों रहता, फिर भी उन्होंने माना कि ये क्रेमिलियर है और क्रेमिलियर लागू कर दिया और क्रेमिलियर के साथ में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन लागू कर दिया। 1992 को क्रेमिलियर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो 1992 से लेके आज तक बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के गले की हड्डी आरक्षण लेने वाले लोगों के लिए वो बना हुआ है। आप जो बात ये कह रहे थे कि कांग्रेस कितना वो बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में है, तो आजादी मिलने के और संविधान लागू होने के 44 साल बाद ओबीसी को पहला आईएएस देखने को 44 साल लगे संविधान लागू होने के बाद में। फरवरी 1994 में राजशेखर चेरी नाम से साउथ इंडिया के एक बैकवर्ड क्लासेस के आदमी को आईएएस के तौर पर सिलेक्ट किया गया। ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आईएएस का
पहला कैडर मिलने के लिए 44 साल लगे संविधान लागू होने के बाद। ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने या कांग्रेस की लीडरशिप ने बैकवर्ड क्लासेस के साथ में क्या धोखा किया, इसका ये सबूत है। क्रीमिलियर जो है ये उसका बड़ा आधार है कि कैसे रिजर्वेशन को प्रभावहीन किया जाए। 1 लाख की क्राइटेरिया रखा गया था और उस क्रीमिलियर के आधार पर रिजर्वेशन लागू। एक 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 बीच में रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि मंडल कमीशन में जाट और जो मराठा या पटेल वर्ग था उसको कांग्रेस ने ऐसा करने के ना लेने के लिए ऐसा कहा होगा, या इसमें कांग्रेस का रोल हो सकता है, ऐसा आपने कहा। तो क्या क्रिमिलियर जो वीपी मंडल जी ने आर्थिक आधार पर भी बैकवर्डनेस की जो व्याख्या की है, तो क्या इसमें भी कांग्रेस का रोल रहा है जिससे आरक्षण बाद में प्रभावहीन हो जाए? इसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और जो समाजवादी जो वर्ग जो है, मधु लिमिया और ये जो वर्ग है, इन लोगों की उसमें साजिश बड़े पैमाने पर है। क्योंकि कांग्रेस का ब्राह्मण और समाजवादी ब्राह्मण कोई अलग अलग नहीं होते, वो इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये जो क्रीमिलियर की जो थेरी है, ये समाजवाद रखने वाले लोगों की थेरी है। कांग्रेस के अंदर भी समाजवादियों का एक बड़ा सा तबका है जो इस थेरी को लेकर चलता है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा वीकर सेक्शन की बात करती है, मगर वो वीकर सेक्शन की उनकी अपनी एक व्याख्या। क्रीमिलियर का क्राइटेरिया जो है, क्रीमिलियर के क्राइटेरिया ने बड़े पैमाने पर देश के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन मिलने पर या रिजर्वेशन को जो इंप्लीमेंट होता है उसमें बड़े पैमाने पर अवरोध निर्माण किए। डीओपीटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में 1993 में एक ऑर्डर निकाला गया कि क्रिमिलियर की क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, कौन क्रिमिलियर में होगा और कौन नहीं होगा। आपको वो डीओपीटी की डिटेल ऑर्डर जो है अगर आप पढ़ोगे, उसमें डीओपीटी ने 1993 के ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि कोई भी क्लास 3 या क्लास 4 का कर्मचारी जो है ये क्रीमिलियर में नहीं आएगा। जो बैकवर्ड क्लासेस का जो एम्प्लॉई है, जो डायरेक्ट ग्रुप ए में अपॉइंट है, वो क्रीमिलियर में माना जाएगा। इतना ही नहीं, जो ग्रुप बी का कर्मचारी जो है, अगर वो प्रमोशन लेकर सेवा सीनियरिटी के आधार पर, सर्विस की सीनियरिटी के आधार पर अगर प्रमोशन बेस में ग्रुप ए में जाता है और जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, वो भी क्रिमिलियर नहीं माना जाएगा। फिर उन्होंने व्याख्या ये की, डीओपीटी के ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि किसी भी स्थिति में क्रिमिलियर में एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम क्लब नहीं किया जाएगा। 93 से ये ऑर्डर है। डीओपीटी क्लियरली ये मेंशन करता है कि जो स्टेट और सेंटर के जो एम्प्लॉई है, खासतौर पर क्लास 3 और क्लास 4 के, उनका सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं किया जाएगा। ग्रुप बी तक ये बात उन्होंने कही कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एम्प्लॉई है स्टेट और सेंटर के, उनके सैलरी इनकम को और एग्रीकल्चर इनकम को क्रीमिलियर में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये इतना क्लियर ऑर्डर है, मगर इस ऑर्डर का किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार किसी की भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस बात का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। जब हम लोग क्रिमिलियर के सर्टिफिकेट निकालने के लिए जाते हैं, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते, पटवारी से लेके डिप्टी कलेक्टर तक, वो सीधा सीधा कर्मचारियों को अपना सैलरी इनकम का सर्टिफिकेट देने के लिए कहते हैं, और जिसका सैलरी इनकम क्रिमिलियर क्राइटेरिया से बाहर है उसको क्रिमिलियर मानकर उसको सर्टिफिकेट बैकवर्ड क्लासेस का इश्यू करने से मना करते रहे। ऐसे हजारों लाखों इविडेंसेस आपको देखने को मिले। मैं खुद इस बात का अनुभवी हूं, क्योंकि जब मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट निकालने के लिए जब हम गए थे, तो हमसे भी मेरे पिताजी का सैलरी इनकम मांगा गया था। ऑर्डर ये कहता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। और क्रिमिलियर को डीओपीटी ने क्लियर कर लिया, मगर उसी डीओपीटी के द्वारा एक और बड़ा ब्लंडर ये किया गया है, या जिसको डेलिबरेटली हम ये कह सकते हैं कि जो देश भर में नौकरियों में जैसे स्टेट और सेंटर के जॉब है या सर्विसेज है, उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर्स में भी बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं, चाहे रिजर्वेशन हो या
डायरेक्टली भी उनका उसमें सिलेक्शन होता है, स्टेट और सेंटर में बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर में बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग काम करते हैं, और उनका पब्लिक सेक्टर होने के कारण उनके जो ग्रेड्स है वो अलग अलग है। जैसे स्टेट और सेंटर में ग्रुप 1, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, ये उनका जैसे कैडर है वैसे पब्लिक सेक्टर का अपना एक कैडर है, और वो कैडर सेंटर और स्टेट के साथ फिक्स ना होने के कारण पब्लिक सेक्टर में जो बैकवर्ड क्लासेस का जो आदमी काम करता है उसको सेंटर और स्टेट में किस ग्रेड में डाला जाए ये निर्धारित ना होने के कारण बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे जिनके पिताजी पब्लिक सेक्टर में चाहे स्टेट में या सेंटर में काम करते हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। आपको याद होगा 2014 में 314 OBC के लड़कों ने UPSC के एग्जाम को क्रैक किया था, उसमें से 120 कैंडिडेट्स को इसी क्राइटेरिया में डालकर उनको क्रीमिलियर में डाला गया और उनको पोस्टिंग देने से इनकार कर दिया गया। 55 ऐसे स्टूडेंट्स उसमें थे कि जिनको IAS का रैंक होना था, IAS के जॉब मिलने थे, मगर उसके बावजूद भी उनको अलाइड सर्विसेज में जाना पड़ा। अभी एक जानकारी उसकी विस्तारित रूप से हमारे पास है कि महाराष्ट्र में पावर कॉर्पोरेशन का जो पब्लिक सेक्टर है उसमें क्लास 4 का एक एम्प्लॉई, उसका बेटा UPSC में IAS कैडर के तौर पर उसको रैंक मिला था, मगर फिर भी उसको क्रीमिलियर में डाला गया और उसको अलाइड सर्विसेज में, रेवेन्यू सर्विसेज में जाना पड़ा। एक लड़का जो IAS के लिए सिलेक्ट हो सकता था, IAS का रैंक था, उसको रेलवे के ट्रैफिक सिग्नल में जाना पड़ा, एक को लॉ सर्विसेज में जाना पड़ा। 55-54 स्टूडेंट्स का ये मामला क्रिमिनल की वजह से फंसा। उनके ये हाई सारा साजिश कोर्ट केस चल रही है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं कर रही है, और इसी का फायदा लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं इसका मिस इंटरप्रिटेशन करके बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब नोमैडिक ट्राइब्स महाराष्ट्र में उसको भी क्रिमिनल लगा दिया। जिस आदमी के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो दर दर भटक रहा है, उसको कहा तुम्हारे अंदर भी क्रिमिलियर है। जो ट्राइब है वो भी नोमैडिक ट्राइब है ना, जिसके पास जमीन है ना, पक्का मकान है ना, रहने के लिए कोई स्थिर जगह है, डेली उसको भटकना है, उसको ये कहते हैं कि तुम्हारे पास क्रिमिलियर है। इसी क्रिमिलियर ने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि जो बाप कमाने लायक है, जिसके पास पैसा है, वही अपने बेटों को हायर एजुकेशन देने लायक है, उसको ही कहा कि तुम क्रीमिलियर से बाहर हो, तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ही की गई। SC ST को भी ये लागू कर दिया है। अब उसकी उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है, मगर ऐसा अभी तक कोई ऑर्डर पढ़ने को नहीं आया कि जो क्रीमिलियर उन्होंने उनको भी लागू किया है। ऐसी मतलब मीडिया से हवाले की खबरें हमको सुनने को मिलती है, मगर ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक पढ़ने में नहीं आया। जी आप क्रीमिलियर बात बैकवर्ड जी क्लासेस जी हाँ जी कहिए, क्रीमिलियर के कारण रिजर्वेशन का कितना ज्यादा नुकसान हुआ। मंडल कमीशन का यह कहना था कि मंडल लागू होने से पहले बैकवर्ड क्लासेस का सर्विसेज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4.69% के करीब है, और अभी कुछ करंट आंकड़े ये कह रहे हैं कि लगभग मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू होकर 1992 में, अगर ये हम ये कहते हैं कि कोर्ट के द्वारा उसको लागू किया और 93 में सरकार ने उसके लिए ऑर्डर निकाला, तो 93 से लेके 2020 तक हम ये कह सकते हैं 27 साल इसको हुए, तो 27 साल में ये आंकड़ा 13% को भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो मंडल 7% भी पिछले 27 सालों में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नॉन इंप्लीमेंटेशन का एक मेजर कारण क्रीमिलियर है, इस बारे में भी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को खबर ही नहीं है। अब मैं ये जो ये कहते हैं कि हमने रिजर्वेशन लागू किया, रिजर्वेशन लागू किया, रिजर्वेशन लागू किया, तो क्या किस अनुपात में रिजर्वेशन लागू किया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में लागू किया, कोई आंकड़े कांग्रेस के लोगों ने इसके लिए डिक्लेयर किए कि हमने बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इतना क्रीम पैदा किया, इतने लायक आपको बनाया। 1951 में पहला IIT भारत ने बना खड़गपुर में,
और 1951 में जो आईआईटी बना, उस आईआईटी को बनने के बाद में 2007-8 में बैकवर्ड क्लासेस को उसमें रिजर्वेशन मिला। तो 1951 में पहला आईआईटी बनता है और ओबीसी को उसमें रिजर्वेशन मिलता है 2007-2008 में। मतलब आईआईटी बनने के 60 साल के करीब ये होता है, तो ओबीसी की 3 पीढ़ियां जाने के बाद में ओबीसी को आईआईटी में रिजर्वेशन मिलता है। 1961 में अहमदाबाद में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना, 2008 में उसमें रिजर्वेशन लागू हुआ। तो ओबीसी की 3 पीढ़ियां गई, 3 जनरेशन बैकवर्ड क्लासेस की गई। आप अगर ये कहे कि 1951 में अगर ये आईआईटी बनता है और उस समय अगर आईआईटी में बैकवर्ड क्लासेस के लड़कों को अगर रिजर्वेशन मिल गया होता, तो आज उसकी तीसरी जनरेशन कहाँ होती? क्या कांग्रेस के लोगों ने इसका कोई डाटा पब्लिश किया? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या पोजीशन है बैकवर्ड लोगों की रिजर्वेशन की प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में? 1.2% भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैकवर्ड क्लासेस का प्रोफेसर नहीं है। अब ये हायर एजुकेशन के आंकड़े मैंने आपको बताए, हायर एजुकेशन में यह हुआ। एम्स की परिस्थिति आप उठाकर देखिए, एम्स स्थापन होने के बाद में 2007 में ये रिजर्वेशन वहां पर लागू हुआ। 56 को एम्स की स्थापना हुई, 55-56 में एम्स की स्थापना हुई, और 55-56 में एम्स बना, और एम्स बनने के लगभग जब आईआईटी बना, एम्स बना, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू के उस समय की स्पीच अगर आप पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने बार बार ये कहा कि राष्ट्र निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए, राष्ट्र को महान बनाने के लिए हमने ये सारा बनाया। तो 52% ओबीसी क्या उस राष्ट्र में शामिल नहीं था क्या? तो क्या 52% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को शामिल किए बगैर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र को रिजर्वेशन पॉलिसी को इंस्पायर किया? तो मैं बड़े जारी के साथ कहता हूं कि ये काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, और जवाहरलाल नेहरू के पास ही रिजर्वेशन को तय करने के लिए हर संविधान है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए 340 340 बार बार कहा जाता है, मगर ये 340 से पहले 335 आर्टिकल जो है, 335 नंबर का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक ढाल के तौर पर रिजर्वेशन के विरोध में इस्तेमाल किया गया। और इसी 335 के आर्टिकल का बार बार सहारा सुप्रीम कोर्ट में लिया गया, आरक्षण विरोधियों के द्वारा लिया गया, और ओबीसी के एससी एसटी के रिजर्वेशन को सैबोटेज करने का काम किया गया। इफिशियंसी का मुद्दा आधार बनाकर ये किया गया। नेहरू का ये कहना था कि रिजर्वेशन से सेकंड रेट का नेशन पैदा होता है, तो जहां रिजर्वेशन नहीं था वहां कौन सा फर्स्ट रेट का नेशन बनाया आपने? आज भारत भुखमरी में अव्वल नंबर पर है, गरीबी में, हर जगह पर जितना भी पिछड़ेपन भारत में, उसके लिए कौन जिम्मेदार? 51 में ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बातें उस आर्टिकल में कही गई, मैं वो थोड़ा सा हमारा मुद्दा रह गया था जी कि रिजर्वेशन को सैबोटेज करने के लिए नेहरू के द्वारा ये किया गया। भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां डिफेंस सर्विसेज से आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा नौकरियां डिफेंस सर्विसेज में आती है, और बड़ी चालाकी से डिफेंस में रिजर्वेशन लागू करने से इनकार कर दिया गया कि नहीं, इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की 1/3 नौकरियां डिफेंस सर्विसेज से आती है। अब 1/3 नौकरियों में ये मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट है, तो इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, तो उसमें आईआईटी, आईआईएम, आपका एम्स, तरह तरह के इंस्टीट्यूट रखे गए। और इन आपकी हाँ आवाज बीच में चली गई थी, वो सुरक्षा व्यवस्था में जो नौकरियों की बात है वो एक बार फिर से दोहराइए।
देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा नौकरियां डिफेंस सर्विसेज से आती है। लगभग 1/3 नौकरियां जो है वो डिफेंस से आती है, डिफेंस सेक्टर से आती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला डिपार्टमेंट है। उस डिफेंस सेक्टर में रिजर्वेशन रखने से इनकार कर दिया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी को वही सबोटेज कर दिया गया। 40 ऐसे सेंट्रल के इंस्टीट्यूट को प्राइम इंस्टीट्यूट के तौर पर कहा गया कि ये देश का भविष्य बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए किए गए हैं, तो इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। जैसे IITs है, IIM है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो इसमें रिजर्वेशन को उन्होंने लागू करने से इनकार कर दिया। ये काम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, काजलकर कमीशन को लागू करने का तो सवाल ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि 1961 में स्टेट को ये कहा कि तुम्हारी मर्जी में आए तो कमीशन बनाओ, और तुम्हारे लेवल पर तुम बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भला कर सकते हो करो, हम इसमें आपको रोकेंगे नहीं। अब जिस उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, 3 बार 4 बार जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश से चुनकर जाते रहे, उनके बाद उनकी बेटी वहां से जाती रही। 61 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए कमीशन अपने स्टेट के अंदर बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 61 के बाद हम लोग 15 साल आगे देखते हैं, 15 साल लगातार वहां कांग्रेस की सरकार रही। 75 तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई कमीशन बनाया नहीं गया। जहां से इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू कई बार प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस की बहाल लगातार सरकारें चलती रही, मगर 75 तक उत्तर प्रदेश में उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन देने से इनकार करते रहे। ये किस आधार पर कहते कि ओबीसी के हितैषी है? छेदीलाल कमीशन जो है वो 75 के बाद में उत्तर प्रदेश में बनाया गया। तो कांग्रेस के लोगों को उत्तर प्रदेश का, जो सबसे विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश का, जहां से वो प्रधानमंत्री बनते रहे, किसने रोका था उनको? 61 के बाद में कांग्रेस ने कभी इसकी समीक्षा की? क्या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या जो भी कांग्रेस के उस समय तक कमीशन बनने से पहले तक के प्रधानमंत्री बने, 1979 तक, कभी भी कांग्रेस ने राज्यों की कोई समीक्षा नहीं की कि आपने अपने राज्यों में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई कमीशन बनाए क्या? अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बना? क्योंकि कांग्रेस खुद ही सेंटर में लागू नहीं करना चाहती थी, ना ही उसने किया। वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को स्टेट में क्यों देती? ये बड़ा धोखा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रिजर्वेशन के साथ में किया गया। उस आर्टिकल में यह भी ये बात कही गई कि इंदिरा गांधी के, मतलब अभी 2018 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में गहलोत को और छत्तीसगढ़ में बघेल को, एक दो ओबीसीओ को मुख्यमंत्री बनाया गया। ओबीसी के लोगों ने तो नहीं बनाया। गहलोत और बघेल ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री बने, ओबीसी के प्रतिनिधि के तौर पर तो नहीं बने। तो ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया तो क्या बघेल और इन गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने से कांग्रेस की सारी बातें पूरी हो गई? एक ओबीसी को वो प्रधान मुख्यमंत्री बनाते ऐसे कहते रहे। पिछले हर चुनाव में ओबीसी के लोग कांग्रेस को वोट डालकर प्रधानमंत्री बनाते रहे। ओबीसी के वोटों के बगैर क्या कांग्रेस देश की सत्ता में जाती रही? अरे जिस कांग्रेस ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो आज गहलोत और बघेल को मुख्यमंत्री क्यों बना रही है? अगर इतना ही प्रेम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को होता तो कांग्रेस सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाता? अगर बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं की इतनी ही कीमत या इज्जत अगर कांग्रेस के लोग करते तो सीताराम केसरी के साथ में क्या व्यवहार किया कांग्रेस? शरद पवार, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, पीए संगमा, तारिक अनवर, लंबी लिस्ट है कांग्रेस के अंदर के बैकवर्ड लोगों की, इनके साथ में क्या व्यवहार किया? शरद पवार एक दिग्गज नेता थे बैकवर्ड क्लासेस के, राजेश पायलट दिग्गज नेता थे, माधवराव सिंधिया दिग्गज नेता थे, क्या हश्र किया कांग्रेस ने इन लोगों को? बघेल या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर वो ये कहते हैं कि
कांग्रेस ने बनाया, तो ये जो नेता राजस्थान के थे, आज अखबारों में या मीडिया में आपने देखा होगा, सचिन पायलट के साथ में कांग्रेस क्या व्यवहार कर रही, जो कांग्रेस उसके बाप को नहीं छोड़ा, बेटे को छोड़ेगी? तो ये सारी साजिश कांग्रेस के द्वारा हुई है। देश में आरक्षण नीति का अगर सत्यानाश हुआ है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी और समग्र आरक्षण नीति के लिए भी। एक ही बात का सबूत मैं देता हूं कि पिछले, आज लगभग संविधान लागू होकर 70 साल हो गए, इन 70 सालों में 55 साल से ज्यादा का समय कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने कभी भी रिजर्वेशन को लागू करने के लिए रिजर्वेशन एक्ट नहीं बनाया। अगर कांग्रेस इतनी रिजर्वेशन हितैषी होती तो रिजर्वेशन एक्ट बनाती। एससी एसटी के रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए 2012 में, दिसंबर 2012 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल कांग्रेस ने रखा। आज 8 साल हो गए, आज भी वो पेंडिंग है। बार बार ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है, क्या कांग्रेस ने इसके लिए कोई व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था की। इसलिए जो आप कह रहे हैं इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस का चरित्र जो है ये लोकतंत्र विरोधी है, ये बहुजन विरोधी है, और ये जो राष्ट्र निर्माण करने की जो बात वो कहते हैं, वो राष्ट्र निर्माण का कोई कार्यक्रम कांग्रेस के पास नहीं है। ये केवल और केवल अपना जो वर्ण वर्चस्ववाद का जो सिद्धांत है उसी को लेकर चल रही है।